चलिए दोस्तों, तो कैसे आप एक बार फिर तुम्हारा भाई तुम्हें मैथ्स पढ़ाने के लिए आ गया है। दोस्तों जुड़ जाइए हमारे साथ। आज जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा प्रॉफिट लॉस का, यानी कि लाभ हानि का, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला। दोस्तों पिछला जो चैप्टर हमारा हुआ है वो हुआ है परसेंटेज का चैप्टर। जिन लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज बहुत काम आने वाली है इस चैप्टर में, और दूसरे चैप्टर में भी काम आने वाली है, तो वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो परसेंटेज का चैप्टर देख लीजिएगा दोस्तों, जिन लोगों ने नहीं देखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, 4 या 5 पार्ट में वो वीडियो है, वो पार्ट, वो जो परसेंटेज का चैप्टर हमने करवाया कंप्लीट, तो जाकर जरूर देखिएगा। इसके अलावा जो पुराने चैप्टर है वो जिन लोगों ने नहीं देखे दोस्तों, जाकर जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो फर्स्टली दोस्तों आपको यहाँ पर 2-3 चीजें जान लेना बहुत जरूरी है कि दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होती है, हानि क्या होती है। दोस्तों फर्स्टली आप जान लीजिए कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। दोस्तों खरीदते हैं वो होता है क्रय मूल्य, यानी कि हमने कोई वस्तु खरीदी तो वो हमारे लिए क्रय मूल्य होगा और बेचने वाले के लिए वो विक्रय मूल्य होगा। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ हमारी बात कर रहे हैं तो ये हमारे एक क्रय मूल्य है। अगर हम किसी को बेचेंगे यही वस्तु, मैं आपको बेचूंगा, तो ये मेरे लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा और आपके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर जिस वस्तु को हम बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? वस्तु को बेचने वाला जो मूल्य होता है, जिसे हम बेचते हैं, जिस मूल्य पर हम बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। ये बात आप समझ लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, क्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य 100% होता है। आपको क्रय मूल्य से ही सारे सवाल यहाँ पर हल होंगे और परसेंटेज से हल होंगे। सिर्फ 2 चीजों से यहाँ पर आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर समझ लिया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब हमारा आता है लाभ और हानि। सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। आपने पहले पढ़ चुके होंगे, एक बार वो यहाँ पर आपका रिवाइज हो जाएगा। तो लाभ क्या होता है दोस्तों? लाभ वह मूल्य होता है, लाभ जो चीज होती है वो होता है जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, यानी कि मैंने कोई वस्तु खरीदी 10 रुपए में, तो ये मेरे लिए क्रय मूल्य हो गया। उसको मैंने दोस्तों 15 रुपए में बेच दी, तो मेरा क्या हुआ दोस्तों? लाभ हुआ। तो यहाँ पर 15 - 10 यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा तो वो हो जाएगा लाभ यहाँ पर, और जो ये जो है ये प्लस में आना चाहिए तो लाभ होगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर मैंने इसको 8 रुपए में बेची तो यहाँ पर मेरी हानि हुई, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अगर है, मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, तो यहाँ पर मेरी हानि हुई। यहाँ पर दोस्तों 2 चीज यहाँ पर बहुत अच्छे समझ लिया आपने। इसके बाद हमारा आता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोस्तों अच्छे समझना इसको, बहुत ही ध्यान समझना दोस्तों। जो लाभ प्रतिशत है और हानि प्रतिशत है वो किसके बेस पर निकलेगा? क्रय मूल्य के बेस पर निकलेगा। क्रय मूल्य के बेस पर इसलिए निकलेगा क्योंकि ये हमेशा 100% होता है। विक्रय मूल्य का कोई भरोसा नहीं है, विक्रय मूल्य कम हो जाता है, विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाता है, लेकिन क्रय मूल्य हमेशा 100% रहता है। हमने जो वस्तु खरीदी है वो हमने अगर 10 रुपये में खरीदी है तो ये 10 रुपया जो है ये 100% रहेगा। इसको हम 20% लाभ पर बेचेंगे, इसको हम 20% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य हमारे लिए कितना होगा? 120%। 20% हानि पर बेचेंगे, 20% हानि पर बेचेंगे तो ये हमारे लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80%। लेकिन जो क्रय मूल्य है वो हमेशा 100% रहेगा। तो अगर आपसे कहीं पर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दे दिया गया, अब यहां पर आपको क्या निकालना है? मान लीजिए यहां पर आपको विक्रय मूल्य निकालना है, आपको विक्रय मूल्य निकालना है, आपको दे दिया गया लाभ प्रतिशत दे दिया गया, आपको क्रय मूल्य दे दिया गया, क्रय मूल्य x है, तो यहां पर आप विक्रय मूल्य आप कैसे निकालोगे? लाभ प्रतिशत आपको दे दिया गया 20% कि 20% लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य निकालिए। भाई ये जो 20% है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 120% हो जाएगा। लाभ प्रतिशत हमारा 100 रहता है तो क्या होगा दोस्तों? 120% हमें निकालना है, तो 120 x / 100 हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर, क्या हो गया हमारा? विक्रय मूल्य, यानी कि हमें उस वस्तु का, हमने 100 रुपए थी कीमत, उसका 120% निकाल लिया तो हमारा विक्रय मूल्य निकला है। अब हमारे 20% हानि हुई है, यहाँ पर हमें 20% की हानि हुई है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर वही सिस्टम दोस्तों, 80% 80/100 आ जाएगा, ये 80/100 x आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा?
विक्रय मूल्य हो जाएगा जब हानि होती है। तो हमने क्या किया, 100% जो है क्रय मूल्य था हमारा, हमने उसको 20% कम कर दिया क्योंकि हमें 20% की हानि हुई है, वही तो विक्रय मूल्य है। हमने कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी थी, हमें 20% की हानि हुई, तो हम 20% उसमें से कम करेंगे, वही हमारा विक्रय मूल्य रहेगा। अगर हमने कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी थी, उसमें हमें 20% का लाभ हुआ, तो हम उसमें 20% बढ़ाएंगे, वही तो हमारा विक्रय मूल्य रहेगा। यही आंसर है दोस्तों। अब अगर यहीं पर आपको क्रय मूल्य दिया नहीं रहे, मैंने आपको बता दी एक चीज, बिल्कुल आपको दिमाग में फिट कर लीजिए, क्रय मूल्य आपको 100% मानना है, ये बिल्कुल फिट कर लीजिए आप। अब क्या करना है दोस्तों, आपसे कह दिया गया विक्रय मूल्य दे दिया गया आपको, विक्रय मूल्य दे दिया गया और आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा या घटा हुआ रहेगा। विक्रय मूल्य दे दिया गया हमें कि x से, मान लीजिए ये भी x से, ठीक है, 20% का लाभ हुआ था आपको, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। 20% का लाभ हुआ था आपको, आपको तो 100% निकालना है। जब आपको क्रय मूल्य दिया रहे और विक्रय मूल्य निकालना है, तो हमेशा 100 नीचे रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य। यानी कि अगर लाभ हुआ है तो 120% लाभ हुआ, तो ये हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। अगर हानि हुई तो 80/100 निकल आएगा। जब आपके पास विक्रय मूल्य दिया रहता है और क्रय मूल्य निकालना है, तो हमेशा आपका 100 ऊपर रहेगा, एक्स ये एक्स हो जाएगा, अगर एक्स है तो, अगर 10 है तो 10 हो जाएगा, और जितना अगर लाभ हुआ था तो लाभ कितना था हमारा 120, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको काट पीट कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारी हानि हुई थी 20% की, विक्रय मूल्य हमें वही दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना है, हानि हुई थी, तो ये 100 तो क्रय मूल्य है, 100% रहेगा क्रय मूल्य, हानि हुई थी तो 80% जो है वो हमारा विक्रय मूल्य था। विक्रय मूल्य 80% था, हमने x का 80% में से कितना है, सिंपल सी बात है, कहीं पर आपको दिया हुआ है 50 का 30%, 50 का मान लीजिए 80%। अब 50 का 80% यानी कि 50 जो है वो क्या है, 50 हमारा 100% है, 50 100% है, 50 का 80% हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। यानी कि हानि हुई थी तो ये 80% विक्रय मूल्य है। अगर हमें इसको वापस से 100% लाना है, यानी मान लीजिए x का 80% आपका कितना है, 40 है, x का 80% 40 है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, 40 × 100 ही तो करेंगे, और ये 40 किस में, किसका ये 80% है कि नहीं, तो यहां पर से हमारा आंसर आ जाएगा, 40 से 2 बार 2 से 50, तो 50 हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों। इतनी से अगर आपने बात समझ ली, परसेंटेज समझ लिया, तो आपके हर सवाल यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों एक सवाल आता है, आपको कहीं पर यह बोल दिया गया कि किसी ने 2 वस्तु खरीदी, 2 वस्तु सेम कीमत की खरीदी, यानी कि 10,000 रुपये में की खरीदी, 10,000 रुपये की खरीदी। अब उसने क्या किया, इस वस्तु को 20% तो लाभ पर बेचा और एक को 20% हानि पर बेचा। अगर यहां पर ये समान है तो उसको हमेशा हानि होगी। आपको क्या करना है, जो ये जो है इसका क्या करना है, यहां पर 20/10 का स्क्वायर करना है यहां पर, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो भी सेम होना चाहिए दोस्तों, तभी आपका ये, मैंने बताया सेम पे बेचे, अगर सेम नहीं है दोस्तों, मैंने आपको बताया था जितना लाभ जितनी हानि पर बेचे, वो आपको यहां पर जैसे 10 + 20, और अगर दोनों लाभ ही लाभ पर बेचे तो +10 × 20/100, ये उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा दोनों पर, ये आपका ये रहेगा। अगर आप वहां पर दोनों सेम है तो आपको ये करना है, तो इतने प्रतिशत की उसको हानि होगी, यहाँ पर 0 से 0 काट दिया, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4% की उसको हानि होगी, सिर्फ बस ये आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। अब एक चीज और देख लीजिए, उसके बाद हम सवाल करते हैं दोस्तों। जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं होगा आपको, आपको आगे समझ में नहीं आएगा, आपको बेसिक क्लियर करवा देता हूं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला ये है कि अगर कहीं पर आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे कि एक दुकानदार है, वो क्या करता है, त्रुटिपूर्ण बाट का उपयोग करता है और ग्राहकों को ठगता है, तो उसकी जो लाभ है वो कितना है, उसका जो लाभ है वहां पर, मान लीजिए वो 1 किलोग्राम के जगह पर, के स्थान पर 900 ग्राम का बाट यूज करता है, तो वहां पर आपको क्या करना है, जो त्रुटि है, त्रुटि कितने की है, वो बटे सही माप माइनस त्रुटि इंटू 100,
ये उसका दोस्तों क्या रहेगा, उसका प्रतिशत लाभ रहेगा, यानी कि त्रुटि जो है, त्रुटि कितने की है, 100 ग्राम की है, बटे सही माप माइनस त्रुटि यानी कि 1 किलोग्राम माइनस 100 यानी कि 900 ग्राम, 900 इंटू 100, बस ये आंसर आ जाएगा। 0 0 कट गया, 9 से ये कटेगा कितनी बार, 9 एकम 9 एक सही, ये उसका प्रतिशत लाभ रहेगा। यहाँ पर उसका प्रतिशत लाभ 10% नहीं रहेगा, वो यहाँ पर 900 ग्राम तो 100 ग्राम निकालता है, तो वो यहाँ पर ये नहीं देखना है, यहाँ पर आपको ये यूज करना है, त्रुटि बटे सही माप माइनस त्रुटि इंटू 100 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों सारे टाइप मैंने यहाँ पर क्लियर करवा दिए, आगे अगर और मैं क्वेश्चन देखूंगा अलग अलग, पहले हमारी जो फर्स्ट बुक है उससे क्लियर करवा देता हूँ, उसके बाद एक हमारा लास्ट में मैराथन क्लास रहेगा जिसमें सारे क्वेश्चन मैं आपको हल कराऊंगा, कुछ एक टाइप के जो अलग टाइप के हैं, जिनको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं एग्जाम में, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है, सिंपल क्वेश्चन है, क्रय मूल्य 110 रुपये है, ठीक है, विक्रय मूल्य बोला है 123.20 रुपए है, उन्होंने बोला कि इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यहां पर दोस्तों 123 माइनस 110 किया हमने तो कितना आया, 20, तो ऐसा का ऐसा ही, 3 में से 0 गया तो 3 गया, बचा 2 में से 1 गया तो 1, 13.20 रुपए का उसका लाभ हो रहा है। यहाँ पर ये 13.20 है, 110 का कितना प्रतिशत है, वही उसका लाभ है भाई, 13.20 बटे 110 का कितना प्रतिशत है, ये बस इसको कैलकुलेट कर लो, 0 ये हट जाएगा, ये 0 से ये 100 मतलब 100 का गुणा कर दिया, 0 हट जाएगा, यहाँ पर 11 से तो उसको 12% का लाभ हो रहा है दोस्तों, कितने प्रतिशत का, 12% का लाभ हो रहा है, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लो दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया आपको तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, सिर्फ आपको क्या करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा लो, उसके बाद आपका टाइम नहीं लगने वाला। क्वेश्चन है कि एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, उसने क्या किया, 2880 रुपए में बेचा तो 10% की हानि हुई उसको, अब क्या बोल रहा है कि वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो, तो यहां पर आपको यह देखना है कि 280 रुपए में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, 280 रुपए में बेच रहा है तो उसको 10% की हानि हो रही है, यानी कि ये 90% है, आपका जो क्रय मूल्य है वो आपका एक्स मानोगे वो 100% रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2880 रुपए जो है ये 90% है, अब आपको क्या निकालना है, 5% का लाभ निकालना है, यानी कि 105 निकाल, आंसर आ जाएगा, क्या करना है भाई, 2880 इंटू 105 बटे 90, बस आंसर आ गया आपका, क्या करना है, 0 से 0 कट गई, 9 से मान लीजिए ये कट जाएगा, 8 दून 16 दो 18 बिल्कुल कटेगा, 9 27 9 दून 18 32 का इसमें गुणा कर दो, 32 पन कितना होता है भाई, 5 15 5 दून 10 160 होता है, तो 0 और 16 32 का ये 16 का 16 तो 6 और 32 एकम 32 और 1 हमारा हासिल बचा था वो हो गया 33, यानी कि 3360 रुपए जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा, कि अगर उसको 5% लाभ चाहिए तो उसको 3360 रुपए पर इसको वस्तु को बेचना पड़ेगा, ये हमारा आंसर आएगा दोस्तों। समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते हुए जाना, वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा कोई दिक्कत आ रही है समझ में, देखो समझ में नहीं आने वाली तो कोई बात ही नहीं है, मैं इतने अच्छे समझा रहा हूँ तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई समझाएगा ही नहीं ऐसे, बाकी और भी कोई दिक्कत हो भाई डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई है ना, डिसलाइक कर दो और कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, ध्यान से देखना भाई, कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, भाई 2 घोड़ों को उसने 32,500 रुपए में बेचा, क्या हुआ कि उसे एक घोड़े पर तो 15% का लाभ हो गया, ठीक है, दूसरे घोड़े को उसको 15% की हानि हुई, कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत के लाभ हानि हुई, दोस्तों यहाँ पर उसको 15 का लाभ और 15 की हानि हुई है, तो मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन रिमेंबर दैट के यहाँ पर आपको अगर ये सेम है तो हमेशा आपकी हानि होगी, बिल्कुल मैं आपको बताया था, तो 15/10 का स्क्वायर करना आपको और यही आपकी हानि रहेगी, क्या होगा भाई, यह हो जाएगा 225 और यह हो जाएगा 100, तो 2.25% की उसको क्या हो गई, हानि हो गई भाई। चलिए यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, इसको मैंने जो किया है ये कैसे किया है, यहाँ पर सिर्फ इस ऐसे होता है कि ये 15 के लाभ हो गया,
माइनस 15 की हानि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 15 इंटू 15 बटे 100 भाई, ये एक माइनस का है ठीक है, ये कटेगा यहाँ पर माइनस का 225 आएगा और माइनस में तो हमेशा हानि आएगी। बताया था कि नहीं पहले प्रतिशत वाले चैप्टर में, किसी को याद हो तो भाई बताओ, ये जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं तुम्हारे पास इनको नहीं याद है, इनको बताओ यार थोड़ा समझाओ। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, एक व्यक्ति ने क्या किया, 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, फिर क्या हुआ, इसमें से उसने 110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए, 70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा, क्या किया, 110 प्रति किलोग्राम की दर से उसने 10 किलोग्राम चावल बेच दिए, भाई उसने 10 किलोग्राम चावल बेचे हैं है ना, यहां तक का देख लो, आगे का आगे के स्टेप में करेंगे, उसने 10 किलोग्राम चावल बेचे हैं, 110 के हिसाब से तो कितना हुआ उसके 1100 रुपये हुए, 1100 रुपये हुए उसके, और यहां पर 10 केजी यहां से हम कम कर देंगे, यहां से 10 केजी कम करेंगे, यहां पर ये भी जो है ये भी कम करना पड़ेगा हमें। उसने क्या बोला है कि चावल बेच दिए, 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा, यानी ये जो रुपये ये भी इसमें से कम करना पड़ेगा, तो कम कर देते दोस्तों, यहां पर 10 किलोग्राम इसमें से कम किया तो 16 किलोग्राम बचे यहां पर, और ये 1100 रुपये इसमें से कम किए तो कितने बचेंगे, 0 का 0 7 का 7 4 में से 1 गया तो 3 बचा और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब इसको क्या करना, 70 रुपये लाभ कमाने हैं, ये रुपये जो है इन्हें पे 70 रुपये लाभ कमाने टोटल पे, तो ये 70 रुपये जोड़ देंगे कितने होंगे, 0 4 4 और 1 1440 रुपये में उसको बेचना है 16 किलोग्राम चावल, क्या भाव बेचेगा भाई वो, 16 का भाग दे दोगे इतने भाव बेचेगा, 16 कितनी बार गया, 90 किलोग्राम पर क्या लेता है यार, 90 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचेगा वो, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है हिंदी और इंग्लिश में, या तो हिंदी सीख लो, हिंदी इंग्लिश सीख लो यार। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने घोड़ा तथा एक गाड़ी, एक तो उसने लिया भाई घोड़ा है ना, और एक क्या लिया उसने गाड़ी, एक घोड़ा एक गाड़ी 20,000 में खरीदे थे उसने, 20,000 1 2 3 4 में खरीदे थे, यानी कि उसका ये क्रय मूल्य हो गया, उसने घोड़े को 20% लाभ पर, इस पर 20% लाभ, और जो गाड़ी थी उसको 10% हानि पर बेचा, ठीक है, क्या निकालना हमें, उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ तो घोड़े का क्रय मूल्य, उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, बिल्कुल भाई लाभ होगा उसे, क्यों नहीं होगा, 2% का लाभ हुआ तो उसने भाई घोड़े को कितने में बेचा, घोड़े को कितने रुपये में बेचा, उसका क्रय मूल्य कितने, घोड़े को उसने कितने में खरीदा था, तो ये मान लीजिए भाई कि घोड़े का उसने दोनों को कितने में खरीदा था, 20,000 में खरीदा था, यानी कि क्रय मूल्य है, तो यहाँ पर मान लीजिए घोड़े का क्रय मूल्य जो है x है, तो गाड़ी का कितना हो जाएगा भाई, 20,000 माइनस x हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है, निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, घोड़े को भी उसने 20% लाभ पर बेचा था, तो हम बेच देते घोड़े को 20% लाभ पर, भाई घोड़े को 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120x हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर अगर हम करेंगे फिर गाड़ी को उसने कितनी हानि पर बेचा, गाड़ी को उसने जितनी हानि पर बेचा उसने बेचा 20,000 माइनस x, उसका जो गाड़ी का क्रय मूल्य है उसको उसने 10% हानि पर बेचा है, तो यहाँ पर हम 20,000 माइनस x का यहाँ पर हम 90% निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगर हम ये गोल दें कि इसमें से हम ये टोटल हो गया, अब इसमें उसको कितना लाभ हो रहा, 2% का लाभ हो रहा है उसको, तो अगर हम इसमें से जो क्रय मूल्य वो घटा दे तो हमारा लाभ निकल आया, ये तो हो गया दोनों का विक्रय मूल्य, उसने बेचा, अब अगर इसमें क्रय मूल्य घटा दें तो हमारा जो लाभ प्रतिशत है वो निकल आएगा, तो बिल्कुल इसको माइनस का 1 2 3 4 ये घटा दिया तो लाभ जो है हमें कितने पे होगा दोस्तों, तो लाभ इस पे होगा हमें 2% का, तो इसका 2% निकाल लेते हैं, तो इसका डायरेक्ट 2% 400 हो जाएगा, इसका डायरेक्टली 2% निकाल लिया हमने, 400 हो जाएगा इसके बराबर 400 का। अब हमारा आंसर आ चुका दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या आ चुका है, कैलकुलेशन कर लो आंसर रहेगा, इसको हम उधर ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे, यहाँ पर ये जो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0 से 0 काट देंगे, ये 0 से 0 काट देंगे, बस यहीं तक काटना है, कल ये हो गया 12x प्लस का इसका 9 का अंदर गुणा करेंगे तो 9 18 और 1 2 3 4 0 लगा दी और माइनस का 9x, ठीक है।
अब दोस्तों ये जो 10 है और ये 10 है, क्या करेंगे इसमें, ये इसका 9 का इसमें पूरा गुना हो गया, तो इसके अंडर में आ गया, इस 10 को उधर ले जाएंगे, हो जाएगा 20,400, यानी कि 20,400 हो गया, ये उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 10 था इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा ये जीरो लग जाएगी, और ये जो 1,80,000 इसको उसमें से घटा देंगे, तो यहाँ पर 12x-9x जो है ये ऐसा कैसे रहेगा, ये उसमें से घटाएंगे दोस्तों, जीरो का जीरो जीरो जीरो, ये जीरो का जीरो जीरो जीरो, ये जीरो का जीरो जीरो जीरो, ये चार में से दोस्तों ये वाली जीरो जाएगी तो चार बचेगा, और ये 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 10 में से 8 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर हमारा 3x आ गया, 3x आ गया, और यहाँ पर ये है 24,000, 3 से 24,000 काटेंगे दोस्तों 8,000 आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 8,000 हो गया, यानी कि घोड़े का क्रय मूल्य हो गया। हमें क्या निकालना था भाई, घोड़े का क्रय मूल्य निकालना था, हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है सारे क्वेश्चंस की जो मैं अब कराऊंगा, इस टाइप के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना घर पर। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर बेची, 25% हानि पर उसने कितने बेची, 6,750 रुपए में बेची उसने। क्या होता है जब वो 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता है, उसे 15% लाभ पर बेचना है, इसने 15% हानि पर बेचा, यानी कि 75% है ये, हमें क्या निकालना है, 115%, 6,750, 115% निकाल लेंगे भाई, ये क्या है 75% है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये 75% है तो यहाँ पर 25 से कटेगा कितनी बार, ये 25 से कटेगा या 3 बार, इसको काटते थे 25 से 25 दून 50, और यहाँ पर बचा 17, 175 हो गया, और 25 17 की 175, और ये 0 का 0 0। अब इसको 3 से भी काट देते कितनी बार कटेगा भाई, 90 बार कटेगा, 9 का इसमें गुणा करेंगे, 9 5 45 का 5 हासिल आया, 4, 9 और 4 हो गया यहाँ पर दोस्तों, 13, 3 हासिल आया, 1 9 1 10, 1035 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, और ये जो 0 है ये भी हमें लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर हो गया 10,350 रुपए में अगर वो बेचता तो उसे 15% का लाभ होता है, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर, बेचने पर लाभ तथा उस वस्तु को 894 बेचने पर हुई हानि, इस पे लाभ जो है और उस वस्तु को 894 रुपए में बेचने में जो हानि हुई है, दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर है। अब क्या निकालना हमें, उसका क्रय मूल्य निकालना दोस्तों, इसके बीच में रहेगा क्रय मूल्य, बिल्कुल यहाँ पर परसेंट नहीं पूछा है, यहाँ पर सिर्फ ये पूछा है कि ये जो लाभ और हानि दोनों बराबर है तो उसका क्रय मूल्य वो बीच में रहेगा दोस्तों, इसमें से ये घटा देंगे, 2 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा, ये गया 6 में 4 तो 2 बचा, 9 में 9 तो 0, ये 102 में 2 का भाग दिया 51 आया हमारा, 51 को या तो इसमें जोड़ दो या इसमें से माइनस कर दो, इसमें जोड़ देंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 9 5 14 4 हासिल आया 1 और 8 9, 945 रुपए जो है उसका क्रय मूल्य है दोस्तों, यहाँ पर 51 रुपए उसने कम में बेचा तो उसको हानि हो गई, 51 रुपए ज्यादा में बेचा तो उसको लाभ होगा, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन है अगला है दोस्तों कि किसी वस्तु को किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है भाई, 20:21 है, 20:21 है तो उसका लाभ प्रतिशत, भाई ये बताइए कि ये 20:21 है यानी कि ये भिन्न के रूप में है, इसको हम क्या करेंगे, इसको परसेंट के रूप में बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे भाई, 100 का गुणा करेंगे क्या आएगा हमारा, यहाँ पर 100 का इधर भी गुणा हो जाएगा और 100 का इधर भी गुणा होगा, दोनों होगा हमारा ये गुणा, ये क्योंकि भिन्न के रूप में है तो दोनों में 100 का गुणा कर दो या फिर 100 का गुणा मत करो, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर सिंपल सा समझ लो दोस्तों कि ये 20% है, ये 20 है, ये 21 है, यानी कि 1 ज्यादा है, इसको हम दोस्तों इसमें 5 का गुणा करेंगे और इसमें भी 5 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 105, दोनों में हमने 5-5 का गुणा कर दिया, हमें कुल मिला के ऊपर वाले को 100 बनाना है, सिर्फ ऊपर वाले को 100 बनाना है, नीचे वाले का हमारा 105 बन गया, यानी कि 5% का लाभ हुआ।
अगर हम 100 का गुणा करते तो वहां पर लंबा जोड़ आ जाता है, सिर्फ आपको करें मूल्य को 100 बना लेना है, सिर्फ ये करना है आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है भाई यार। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको यहाँ पर बेसिक समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छी कोशिश की आपको समझाने की। अगर आप बेसिक समझ जाओगे एक बार में तो यहाँ पर आपके आगे के क्वेश्चन में किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बेसिक नहीं समझोगे, अगर समझ में नहीं आया दोस्तों वीडियो को वापस से देखना, क्योंकि यही बेस है और बेस जितना अच्छा होगा उतनी आपकी जो बिल्डिंग है वो अच्छी रहेगी। चलिए दोस्तों आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, घर पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका कैलकुलेशन होगा। और भाई जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं तो मुझे कमेंट करके बताया करो कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, अभी आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है क्वेश्चन इनका आपको मुझे कमेंट करके बताना है, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ आगे के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।